सनम की थी तो ये यहां क्या कर रही है? सनम सनम तुम सनम सनम अल्लाह के लिए इस बच्चे को बख्श दे, उसकी जान ना ले। आज इतनी बातें जरूर है लेकिन उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दे, इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा? आप उसकी जान ना लीजिए, आपकी दुश्मनी आई जी से ना। वो इसकी बाले जरूर है लेकिन उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जाने दीजिए सनम, मुझे जाने दीजिए सनम। खेल खेलना सिर्फ आपकी मरहूम अम्मी को ही नहीं आता था, मुझे भी आता है। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं यहाँ पर, मैं हूँ। आओ चलो बाहर चलो। तुम ठीक तो? तुम यहां कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता, मैं तो दवाइयां लेने गई थी। कुछ नकाबपोशों ने मुझे अगवा करके वो यहां यहां लेकर आ गए। मुझे वो हमारे बच्चे को मारना चाहते हैं। वो लोग जो भी हैं, वो आपको और आपके खानदान की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं। एक एक करके वो आपके हर चाहने वाले को आपसे दूर ले जाना चाहते। कौन हो सकता है वो शख्स? तुमको अंदाजा है? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊं। इस बच्चे को बचा लीजिए आयुष, हमारे बच्चे को बचा लीजिए आयुष, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि वो लोग मेरे साथ वही करेंगे जो उन्होंने सनम के साथ किया। मुझे मार देंगे जैसे सनम को मारा। मिस्टर राहिल, आप फिक्र ना करें, सब ठीक है। जरा इनकी पट्टी कर दे। कैसे है वो डॉक्टर? जिस्मानी तौर पर तो ये बिल्कुल ठीक, पर उनके दिलो दिमाग को कोई ऐसा सदमा लगा है जिससे जिससे क्या? जिससे उनकी याददाश्त जा चुकी है।
तक लौटेगी उसकी याददाश्त? ये कहना तो बहुत मुश्किल है जनाब। कुछ भी करके ठीक करना ही होगा। सिर्फ वही है जो मेरी जिंदगी के सबसे अहम केस को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं डॉक्टर। शायद जनाब अगर आप उन पर जोर डालेंगे, उन्हें कुछ भी याद करने के लिए मजबूर करेंगे तो मुमकिन है कि हादसे के बाद जो कुछ भी हुआ है वो उसे भी भूल जाए। या अल्लाह, कहीं इनकी याददाश्त वापस आ गई तो शशि कपूर को भूल ना जाए। आप फिक्र ना करें, अल्लाह पे यकीन रखें। बाकी मैं आपसे निकाह में तो मिलूंगा ही, वहां बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। Tamal, are you okay? तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। Get out from here! आपने मुझे जिन हाथों से धक्की मार के इस घर से निकाला, आज रात खत्म होने से पहले आप मुझे उन्हीं हाथों से गोद में उठाकर वापस लाएंगे। तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ, हैं? क्या? अरे ये नई सनम तो बेगम साहिबा से भी बड़ी तेज है। या हैं? You're right. ये कहाँ आ गए हम? ये मेरा घर है। मेरा घर नहीं है। या अल्लाह, कहीं इनकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? ऐसा क्यों कह रही है आप? क्योंकि मुझे लगा, आप जानते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं किसी आईने के सामने खड़ी हूँ, उस पे रात की ओस जमा है, उसमें एक तस्वीर है, लेकिन ये वो तस्वीर नहीं है, ये कुछ। क्या हुआ, अब ठीक तो है? हाँ। चलिए कमरे तक लेके जाता हूँ। आहिल जी, थोड़ी देर यहां रुक जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मुझे इस तरह रोकने का हक सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की को है। और वो लड़की तुम नहीं हो। तुम यहां आ तो गई, लेकिन तुमने जो किया है उसे तो ना मैं कभी भूल सकता हूं और ना ही मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। तुम्हारी डिलीवरी के बाद तुम्हें यहां से जाना होगा और फिर उसके बाद मैं और मेरी सनम ये डिसाइड करेंगे तुम्हारे साथ करना क्या है। लेकिन सनम, कुछ नहीं हुआ सनम को, कुछ कुछ नहीं हुआ उसे। खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हुआ होता तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देता। मेरी सांसें चल रही है इसका मतलब कि मेरी सनम जिंदा है। मेरा दिल धड़क रहा है इसका मतलब कि वो है। मेरा वजूद मेरी सनम के होने का गवाह है। मैं जानता हूं कि मेरी सनम जिंदा है और खुदा की कसम वो दुनिया के किसी भी कोने में हो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। आई विल फाइंड हर। वो फाइल नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। लियाकत ने मुझे धोखा दिया। वो फाइल कहां हो सकती है? मेजर शाद, अब आपको आराम करना चाहिए। आज हमारे घर में कुछ है क्या? क्योंकि सब सजावट की हुई है, जश्न का माहौल है ना? जी आप वो सब छोड़िए। जब तक आप बेहतर महसूस ना करें इस आउट हाउस में रहिए। जब आप सही हो जाएंगी मैं आपको घर ले जाऊंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब तक मैं खुद आपको लेने ना आऊं दरवाजा ना खोले। जी आराम कीजिए। शायद मुझे हमारे घर के जश्न में नहीं लेके जा रहे हैं। शाद भाईजान कहाँ थे आप? निकाह बहुत बहुत मुबारक हो शाद मियां। मुबारक हो। अम्मी बहन हाँ लीजिए आ गया आपका लाडला।
कब से इंतजार कर रही है पप्पू तुम्हारा। कैसे मिजाज है आपके? बैठे बेटा, जब से तुमने हमारी मिसबा से निकाह के लिए हाँ करी है ना, हमारे मिजाज तो बेहतरीन हो गए हैं। अब तो अल्लाह जान भी ले ले तो कोई गम नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो पुप्पी? आप तो 100 साल जिएंगे, 100 साल। चल, बद्दुआ ना दे ऐसे मुझे, हाँ? 100 साल की उम्र में तो हमारी जैसी हूर भी बूढ़ी लगने लगेगी। अब्बू को कैसे बताओ कि ये निकाह मैं नहीं कर सकता? अब्बू, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपके निकाह के बाद बात करेंगे, फिलहाल आपके निकाह से ज्यादा जरूरी और कुछ? तैयार हो जाइए आप, काजी साहब आने। अब निकाह में और देर नहीं होनी। जब तक निकाह शुरू नहीं हो जाता आप आराम कीजिए ना। आइए 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 आइए। अरे आफ्ताब मियां, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे शुक्रिया बेटे का। मुबारक। शुक्रिया खान साहब। शुक्रिया। शरबत लिया आपने? जी हाँ। देखिए जरा हमारे शर्मीले भाईजान को, आप यहाँ चुपचाप खड़े हैं और आपकी दुल्हन वहां आपका इंतजार कर रही है। चलिए। हेलो जी, मैं ममता मैटरनिटी होम से बोल रही हूँ। सर मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि डॉक्टर शाह से 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट कंफर्म है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाईजान, किसका फोन था? वो ममता मैटरनिटी क्लिनिक से फोन था, नई सनम के लिए। कल 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट है उसका। मैं तुम्हें एक बीवी का दर्जा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये सच भी बदल नहीं सकता हूं कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। और इसलिए मैं एक बाप के तमाम फर्ज पूरा करूंगा। और प्लीज, इसके बाद मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मैटरनिटी क्लिनिक से फोन आया, कल सुबह 10:30 बजे तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। सो डोंट गेट लेट। लेकिन मैं ठीक हूं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, ये तुम नहीं डॉक्टर्स बताएंगे। अंडरस्टैंड दैट? जस्ट बी रेडी 10:30 इन द मॉर्निंग। एक मुसीबत खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है। मैं चेकअप के लिए नहीं जा सकती, लेकिन ये अपॉइंटमेंट लिया किसने? अगर मेरी असलियत सबको पता चल गई तो भाई जी मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे।